प्रभात काल के पुण्य मिला मिला आप सभी आत्मा साधकों को प्यार प्यारे नमस्कार। हमारा जीवन किसी बांस की पोंगरी की तरह है। अगर हमें जीवन को साधना आ जाए तो बांस की पोंगरी महज कोई बांस की पोंगरी नहीं रहती। बांस की पोंगरी भी हमारे लिए एक सौंदर्य, एक आनंद और एक संगीत देने वाली बांसुरी बन जाया करती है। हमारा जीवन अनेक प्रकार की सांसारिक चिंताओं के चलते, कई तरह की शारीरिक व्याधियों, दूषित विचारों और विकारों से भरा हुआ रहता है। हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप में स्वयं को जितना पवित्र सौम्य बनाकर रख सकते हैं रखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हमारा शरीर जो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, कई तरह की कुंठाओं से, विकारों से, नकारात्मक विचारों से भरा हुआ रहता है। तो अपने शरीर की उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करने के लिए, अपने मन की निर्मल स्थिति प्राप्त करने के लिए हम लोग अपने आप को एकांत में ले जाते हैं, शांति के वातावरण में ले जाते हैं और इस तरह से अपने आप से रूबरू होते हुए शरीर और मन की व्याधियों को, शरीर और मन के दूषित तत्वों को शमन करने का प्रयत्न करते हैं। 7 दिन का यह संबोधि साधना शिविर विशुद्ध रूप से अपने आप के लिए है। यह किसी और के लिए नहीं वरन अपने आप के लिए है। अपने स्वयं को जानने के लिए, अपने स्वयं के शरीर और मन की उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करने के लिए है और इस अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त रहने वाली दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, विश्व शक्ति को हम लोग अपने भीतर आमंत्रित करते हैं और विश्व शक्ति के द्वारा अपनी सहज सामान्य आत्मशक्ति को और बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी, अतिंद्रिय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा व्याप्त है। इस जगत की ऊर्जा व्याप्त है जिससे कि ये सारा जगत संचालित होता है। तो हम लोग साधना की दहलीज पर आकर के अपने आप को जानते हैं, आत्मज्ञान की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं और अपनी सहज सामान्य ऊर्जा को जागृत करते हुए ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करते हैं। और यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा जैसे जैसे हम लोग प्राप्त करने में सफल होते हैं, त्यों त्यों हम लोग साधारण से असाधारण होते हैं, साधारण विचारों से असाधारण विचारों के मालिक बनते हैं और शरीर के सामान्य साधारण भौतिक पदार्थों में भी हम लोग अभौतिक और आध्यात्मिक चेतना के मालिक बनते हैं। ये 7 दिन हम लोग अपने आप के लिए समर्पित करेंगे, अधिक से अधिक आत्मचिंतन के लिए। 7 दिन के दौरान हम लोग बाहर की गतिविधियों पर अंकुश लगा देंगे, अखबार पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, मोबाइल फोन, अर्थात बाहर की गतिविधियां जो कि हमें अन्य लोगों से जोड़ने का काम करती है,
सात दिन के लिए हम लोग अपने आप को सबसे समेटते हैं और एक तरह से बिखरी हुई चदरिया को समेट करके और तह बनाकर अपने करीब रखते हैं। कुल मिलाकर जीवन की बांसुरी को हम जितना सुरीला बना सकते हैं, इस पर हम लोग अपने अपनी अंगुलियों को जितना साध सकते हैं साधने का प्रयत्न करेंगे। यह तो कोई दावा नहीं किया जा सकता कि सात दिन में कोई व्यक्ति बांसुरी को पूरी तरह साध लेगा, पर अंगुलियां चलानी जरूर सीख जाएगा। अगर आदमी के हाथ में गुर लग जाए, चाबी अगर हाथ में लग जाए, तो बाकी के सब चीज प्राप्त करना बहुत सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। जैसे कैरियर को बनाने के लिए एक बच्चे को पुरजोर मेहनत करनी पड़ती है दिन और रात, जैसे भौतिक सच्चाइयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक छात्र को रात और दिन अधिक से अधिक पढ़ाई करनी होती है, ऐसे ही हमें अपनी सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपनी आंतरिक यात्रा करने के लिए हम लोगों को भी अधिक से अधिक ध्यान करना होता है, अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना होता है। जितनी पढ़ाई करेंगे लड़का उतना ही आगे बढ़ेगा, जितना हम ध्यान धरेंगे हम उतने ही अपनी आध्यात्मिक सच्चाइयों के और अधिक करीब होंगे। उचते मन से की गई पढ़ाई परिणाम नहीं देती और बेमन से किया गया ध्यान भी परिणाम नहीं देता। हम लोग ध्यान योग में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे, उससे पहले हम लोग अपने शरीर, श्वास और चित्त तीनों को लयबद्ध, तीनों को एक लय करना हमारे लिए जरूरी है। श्वास अलग धारा में बह रही होगी, चित्त हजार हजार दिशाओं में भटक रहा होगा, शरीर अलग अलग तरह की जकड़न, प्रमाद, विकार इन सब से भरा हुआ होगा। तो हम लोग पूरे मन से साधना में लगेंगे, पूरे मन से, पूरे तन से, किसी भी प्रकार का तनाव, दबाव, जोर जबरदस्ती अपने साथ ना करें, बहुत सहजता से साधना करेंगे और सहजता को ही अपनी साधना का चरण बना लेंगे। शरीर के साथ सहजता, दिमाग के साथ सहजता, शरीर के साथ सचेतनता, दिमाग के साथ सचेतनता, शरीर, मन और आत्मा तीनों को हम साधेंगे जितना अपन लोगों से सहज रूप में सध सकता है। पहले हम लोग थोड़ा सा आज जो क्रिया करेंगे, पहले हम लोग उस प्रयोग को समझ लेते हैं। और प्रयोग है श्वास से जुड़ा हुआ, जिसे कि हम लोग अपनी भाषा में क्रिया योग कहते हैं। एक तरह से यह सचेतन श्वसन क्रिया है, सचेतन श्वसन क्रिया है, अर्थात जिसमें हम जैसे प्रकृति में, कुदरत में कभी हवाएं तेज चलती हैं, कभी धीमे चलती हैं, कभी शांत हो जाती हैं, कभी उसमें गहराई आ जाती है, ऐसे ही हम सांसों के द्वारा अपनी ऊर्जा को जागृत करेंगे और सांसों के द्वारा ही हम अपने चित्त को सांसों के साथ एक लयबद्ध करेंगे। तो हमारी सांसें भी नृत्य करती है, अहो नृत्य करती है, सांसों में भी आनंद है, सांसें हमारी मास्टर है, सांसें हमारी गुरु है, श्वास गतिशीलता का परिचायक है। जैसे हवा चलती है, गति करती है, वैसे ही श्वासों के द्वारा हम अपने शरीर में ऊर्जा की गति का संचार करते हैं, विस्तार करते हैं।
प्रयोग को हम पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि सुविधा रहेगी। ये प्रयोग अपन लोग 3 दिन तक करेंगे और फिर इसमें परिवर्तन कर देंगे सुबह में। और वो है, पहले हम लोग ओंकार का 3 बार उद्घोष और फिर 3 बार अनुगूंज, वाइब्रेशन दिमाग में। और फिर हम लोग लंबी सांस, छोटी सांस, 20 दफा लंबी सांस, 20 दफा छोटी सांस, फिर 20 दफा लंबी सांस, 20 दफा छोटी सांस। चित्त और श्वास में लयबद्धता आ सके, इसलिए लयबद्ध सांस लेंगे लंबी, लयबद्ध सांस छोड़ेंगे लंबी। 20 हुई, फिर वापस छोटी सांस, 20 दफा सांस ली, लेना छोड़ना छोटी सांस, लंबी सांस 20, छोटी सांस 20। हमारा चित्त दिशा विदिशा में भटकता रहता है, हजार हजार दिशाएं हैं, ये कब कौन सी तरंग में बह जाता है इसका कोई पता नहीं चलता। इसलिए हम लोग आती जाती सांस के साथ सो हम का सुमिरन, नॉट उच्चारण, केवल सुमिरन, सो के साथ आती हुई सांस को लेंगे, हम के साथ जाती हुई सांस को जाने देंगे, रेचन कर देंगे। और इस तरह से यह एक धारा चलेगी, लेना छोड़ना। 5 आवृत्तियां हम लोग करेंगे लंबी सांस छोटी सांस की, और फिर इसमें थोड़ी और गहराई दे देंगे, और तब फिर हम लोग 4 आवृत्तियां करेंगे लंबी सांस फिर तेज सांस, लंबी सांस फिर तेज सांस की। इस तरह की ये आवृत्ति होगी, और यह एक तरह से क्रिया योग है, अर्थात सांसों के द्वारा स्वयं को चार्ज करने का, सांसों के द्वारा अपनी ऊर्जा को जागृत करने का, यह एक सीधा सरल तरीका है। और फिर हम लोग विश्राम, पूर्ण विश्राम, पूर्ण विश्राम में आकर के फिर हम लोग ध्यान करेंगे। आज हम लोग अपने ध्यान को मुख्यतः नाभि केंद्र पर केंद्रित करेंगे, जो कि हमारे शरीर का मूल केंद्र है, हमारे संपूर्ण शरीर का मूल केंद्र, अर्थात वस्तु के भीतर प्रवेश करना, अर्थात ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के भौतिक संरचना के मूल तह में जाकर के अपने आप को केंद्रित करना, फोकस करना, अपनी दोनों दृष्टियों को, अपनी अंतर्दृष्टि को नाभि केंद्र पर ले जा करके स्थिर करना, स्थिर करना, स्थिर करना। और इस तरह से अपने शरीर में रहने वाली यह जो भौतिक सच्चाइयां हैं उसके मूल में जाकर के केंद्रित होना, और वहां से अपन लोग शुरू करेंगे अपने आध्यात्मिक आंतरिक यात्रा की धीरे धीरे शुरुआत। चश्मा पहना हुआ हो तो उतार लीजिए। करबद्ध हूं, पलकों को झुकाएं, अपने ललाट प्रदेश पर केंद्रित हों, और अंतर्मन में यह प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर, मैं 7 दिन के लिए साधना में समर्पित हो रहा हूं, आपकी दिव्य शक्तियां मेरी मदद करें,
आपकी करुणा की छांव मुझे प्राप्त हो। आपकी दिव्य ऊर्जा जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है मुझे अपना पात्र बनाए, मेरे हृदय और अंतर्मन का अभिषेक करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्युर्मायमृतं गमय, मृत्युर्मायमृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्युर्मायमृतं गमय, मृत्युर्मायमृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्युर्मायमृतं गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। दोनों हाथों को गोद में रख लें, अंगुलियों में अंगुलियों को फंसाकर शरीर की स्थिति को बहुत सहज रखें। किसी भी तरह का तनाव या दबाव न रहे, इतना सहज और ढीला रखें। अंतर्मन में मुस्कान का संचार करें। मुस्कान का संचार करें। मुस्कान का संचार करें। लंबी श्वास लें और ओंकार की उद्घोष। होंठ बंद, जीभ स्थिर।
अपनी जागरूकता को मुखमंडल पर केंद्रित करें। नासिका प्रदेश की ओर केंद्रित हों, होंठों को बंद रखें, जीभ को स्थिर रखें। लंबी श्वास लीजिए, लंबी श्वास छोड़िए। सो हम, 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 सो हम। छोटी सांस, सो हम, 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 सो हम। लंबी श्वास, सो हम, 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 सो हम,
सो हम 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 छोटी सांस सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सचेतन श्वसन क्रिया प्राणायाम सो हम 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 लंबी सांस सो हम सो हम सो हम सो हम कोई विचार उठाए तो दूर हटा दें और लंबी सांस लें सो हम 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 छोटी सांस सो हम 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 लंबी सांस सो हम 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 सो
केवल लंबी श्वास लें, श्वास धारा लगातार चलती रहे। सो लंबी श्वास, सो हम, सो हम, सो हम। केवल लंबी श्वास लें, लंबी श्वास छोड़ें। सुमिरन से ज्यादा श्वास पर गौर करें, सचेतन लंबी श्वास लें। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। लंबी श्वासोश्वास का प्राणायाम। सो हम, 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 सो हम। तेजी से सांस लें, तेजी से सांस छोड़ें। ओवरलैपिंग होती जाए हर सांस के बीच में। सो सो हम, सो हम, हम, सो 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 हम,
शरीर दिमाग को ढीला छोड़ दे, पूरी तरह ढीला, मुख मंडल पर जागरूक हों, आते हुए श्वास का सचेतन अनुभव करें। जाते हुए श्वास का सचेतन अनुभव करें। आते हुए शांत श्वास का अनुभव करें। जाते हुए
श्वास का अनुभव करें। श्वास लंबी चल रही हो, तो लंबी श्वास को जाने। श्वास जितनी लंबी चल रही हो, उतनी दूर तक व्याप्त होकर श्वास को जाने। पल पल बोध रखें कि मैं सचेतन श्वास ले रहा हूं। श्वास और चित्त में एक लयता स्थापित कर रहा हूं। श्वास आए तो बोध रखें कि मैं आती हुई श्वास को जान रहा हूं। श्वास जाए तो बोध रखें कि मैं जाती हुई श्वास को जान रहा हूं। मैं आती हुई श्वास का अनुभव करते हुए शरीर में जहां तक श्वास विस्तार ले रही है वहां तक जागरूक हो रहा हूं। श्वास का अनुभव करते हुए शरीर के प्रति जागरूक हों।
मैं श्वास लेते हुए शरीर के प्रति जागरूक हो रहा हूं। मैं श्वास छोड़ते हुए शरीर के प्रति जागरूक हो रहा हूं। मैं शरीर में प्रवेश करके शरीर को जान रहा हूं। मस्तक के ठेठ ऊपरी छोर, ललाट दोनों आंखें, नासिका, जिह्वा, और कंठ तक की एक एक हिस्से के प्रति जागरूक हो। और शरीर के भीतर स्थिर होकर शरीर के प्रति जागरूक हो। अंग अंग प्रत्येक वेदन संवेदन प्रत्येक कंधे और हाथों की ओर, हमारी सचेतनता हो। ठेठ हाथों की अंगुलियों तक, त्वचा के बाहर भी और त्वचा के भीतर भी, मांसपेशियों के बाहर भी और मांसपेशियों के अंदर भी, छाती प्रदेश,
त्वचा के बाहर भी, त्वचा के भीतर भी। शरीर प्रति जागरूक होकर शरीर को जानते रहे। उदर प्रदेश की ओर सचेतनता का विस्तार हो। पेट के भीतर की भौतिक संरचना के प्रति जागरूक हों। बोध रखें मैं शरीर के भीतर उतरकर शरीर को जान रहा हूं। प्रकृति की इस अद्भुत संरचना को जान रहा हूं। आगे से लेकर पीछे तक, पीछे से लेकर आगे तक जान रहा हूं। गहनता से जान रहा हूं और नीचे के अवयवों तक इस साधक तुम अपने जंघा प्रदेश की ओर विस्तार लो। हमारी प्रज्ञा, हमारी अंतर्दृष्टि जंघा प्रदेश की ओर विस्तार ले। त्वचा के बाहर भी और त्वचा के भीतर भी। मांसपेशियों के बाहर भी और मांसपेशियों के भीतर भी। अस्थियों के बाहर भी, अस्थियों के भीतर भी। नीचे ठेठ पांव तक सचेतन अनुभव करने लगे।
त्वचा के बाहर भी, त्वचा के भीतर भी। मैं शरीर के भीतर उतर कर शरीर को जान रहा हूं। बहुत सूक्ष्मता से, गहनता से नीचे पांव के अंगूठों से लेकर ऊपर सिर तक धीरे धीरे लौटने लगे। एक एक अंग की अनुपस्थना करें। और अपने संपूर्ण शरीर के प्रति जागरूक हों। मैं श्वास लेते हुए संपूर्ण शरीर के प्रति जागरूक हूं। मैं श्वास छोड़ते हुए संपूर्ण शरीर के प्रति जागरूक हूं। मेरा शरीर हल्का हो रहा है। शरीर के भीतर स्थिर होकर शरीर की गतिविधियों का शमन कर रहा हूं। मैं श्वास लेते हुए शरीर के प्रति जागरूक हूं। मैं श्वास छोड़ते हुए भी शरीर के प्रति जागरूक हूं। और अब श्वासों का अनुभव करते हुए अपनी दोनों दृष्टि को नाभि प्रदेश की ओर केंद्रित करने लग जाएं। शरीर के मूल उद्गम स्थल पर ध्यान धरें। नाभि प्रदेश की ओर
सचेतन हों। दोनों दृष्टि दोनों आंखें नाभि प्रदेश की ओर, बाहर बाहर से भीतर की ओर, दिमाग से विचारों को दूर हटाएं, सांसारिक उधेड़ बन से मुक्त होकर नाभि प्रदेश पर एक लय हो, टॉर्च की सीधी प्रकाश रेखा की तरह। बोध रखें कि मैं शरीर के मूल उद्गम स्थल पर ध्यानस्थ हो रहा हूं, अपनी चेतना को केंद्रित कर रहा हूं। शरीर स्थिर, श्वास शांत, मन मंदर, दोनों आंखों की रोशनी नाभि प्रदेश की ओर, और लगातार 10 मिनट तक नाभि प्रदेश पर ध्यान धरें। बाहर से भीतर की ओर, भीतर से बाहर की ओर, शरीर को स्थिर करके मन को विराम देकर अंतर्दृष्टि को पूरी तरह नाभि प्रदेश पर एक ही बोध रखें कि मैं शरीर के मूल उद्गम स्थल पर ध्यान धर रहा हूं, मूल उद्गम स्थल पर ध्यान धरकर शरीर को जान रहा हूं। मूल उद्गम पर ध्यान धरकर शरीर का संवेदन कर रहा हूं।
अगर विचारों की उधेड़ बन ज्यादा चल रही हो तो लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, पर अपनी जागरूकता नाभि प्रदेश पर रखिए। मन के घोड़े को श्वासों पर लगाइए और श्वासों को नाभि प्रदेश की ओर केंद्रित कीजिए। अगर उधेड़ बन ज्यादा चल रही हो तो 25-50 लंबी श्वास लीजिए। लंबी सांस लीजिए और अपनी दोनों दृष्टि को नाभि प्रदेश पर नाभि प्रदेश पर स्थिर होकर ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए। नाभि पर केंद्रित होकर शरीर को आरोग्यमय बना रहा हूं। इसके दूषित तत्वों का शमन कर रहा हूं। शरीर को उत्कृष्ट और प्रकाशमय बना रहा हूं। नाभि का संबंध पूरे शरीर से है। नाभि से पांव की ओर, नाभि से सिर की ओर, अपनी जीवनी ऊर्जा, शरीर में व्याप्त जीवनी ऊर्जा का अनुभव कीजिए, बाहर भी और भीतर भी। इस देह पिंड के बाहर भी और भीतर भी।
संपूर्ण शरीर का अनुभव करते हुए मुखमंडल पर केंद्रित हो। और हर आती हुई श्वास के साथ